हॉस्पिटल, मेरी वाला चल लेते हुए ग्लोबल हॉस्पिटल गए, वो भी दो फ्लोर अपने आप से चल लेते हुए गए भाई। वाह, छह दिन पहले उसके दो दिन हमारे वाला को जनरल वार्ड में एडमिट करें, जनरल वार्ड में एडमिट करके हमारे वाला को कुछ नहीं था, थोड़ा सा सांस में ले सांस लेने की तकलीफ थी। रवि पट्टी श्रीनिवास वो डॉक्टर हमको क्या बोला कि आपकी मम्मी को फीवर आ गया, आपकी मम्मी को हॉस्पिटल में रखना पड़ता। बोला जनरल वार्ड में रखे तीन दिन तक हमारे मम्मी का फीवर डिटेक्ट नहीं करे वो लोग कि किस तरीके क्यों कई को फीवर आ रहा है, क्या वजह से फीवर आया। सडनली तीसरे दिन बाद हमारे को बोले MICU में एडमिट करना पड़ता, आपकी मम्मी बहुत क्रिटिकल है। MICU में जब हम एडमिट करे हमारे को एक दिन तक कुछ भी नहीं बोले कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं बोल रहे, और पूरा स्टाफ हमारे से पैसे लेते जा रहा। मम्मी से अगर हमको मिलना है तो 500 रुपए देना है स्टाफ को, अगर कहीं कोई दूसरे डॉक्टर से कुछ बात करना है, कोई डॉक्टर को हमको रिक्वेस्ट करना है तो वॉचमैन को 500 रुपए देना है, अगर हम मम्मी से अंदर किसी हमारे रिश्तेदार को बुलाना है, हमारे कुछ जाने आने की है तो बाहर सिक्योरिटी गार्डों को हमारे 1500 रुपए देना पड़ा। उसके बाद चौथे दिन मेरी वालदा को जो है ना ICU में जब एडमिट करे, चौथे दिन बोले कि आपकी वालदा बहुत क्रिटिकल है, आप 75,000 रुपए पे करो। मैं नीचे 75,000 पे करे बाद मेरे को ऊपर डॉक्टर अजीत सिंह अजयवीत और महेंद्र, मैं बोलती अजीत, मेरी अम्मी बोले अजीत, लास्ट मेरी माँ का बयान था अजीत ऐसा पैसे मंगा और ज्यादा पैसे मंगो नहीं तो वेंटिलेटर लगा दो। बोला मेरी माँ को लास्ट का मेरी माँ बहन जब विजिट करे और मेरे को वो लोग अपने जहाँ पे काउंसिलिंग देते वो रूम में बुलाए, बुला के बोले आप नीचे बिल पे कर दिए। मतलब हाँ मैं बिल पे कर दिया सर, मैं आप लोगों के पैर पड़ता हूँ, मेरी माँ को बचा लो। तो बोले आप हमें आपको एक नंबर देंगे, एक आदमी का नाम देंगे, आप उनको लेके जाके 3 लाख रुपए दे दो, आपकी माँ बच जाएंगी। मैं पूछा वो पैसे कहीं को दूँ साहब, मैं नीचे तो बिल पे कर दिया ना, तो बोले नहीं 3 लाख रुपए आप अलग से दो, आपकी माँ बच जाएंगी, तीन दिन में आपकी माँ मैं घर भेजा दूंगा भाई, बचा के जान बच जाएंगी आपकी माँ की, 3 लाख देना पड़ेगा। ये कौन बोले अजीत अजीतवीर और महेंद्र श्रीनिवास, ये तीनों महेंद्रा और श्रीनिवास ये तीनों। तो मैं इनके पैर हाथ पड़ा, मैं बोला भाई 3 लाख रुपए मेरे पास उतने हैं नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 3 लाख तो है नहीं। तो उसी टाइम मैं भी, फिर भी मैं क्या करा, 7 बजे मेरे दोस्त करे बंजारे में मैं 3 लाख का इंतजाम करने पैसे इंटरेस्ट से कहीं से लेने जाने के लिए गया था। उसी दरमियान आए तक जो है ना मेरी माँ को वेंटिलेटर लगा दिए और थोड़ी देर में 20 मिनट बाद बोले आपकी माँ का इंतकाल हो गया। मेरी मम्मी को डरा रहे थे बाजू में वेंटिलेटर, और मेरी मम्मी को हर चीज से टॉर्चर कर रहे थे, वेंटिलेटर हटा दो सामने से। मैं जाके नीचे पवन को बोली MOD को सर वेंटिलेटर हटा दो, बोलते ना वेंटिलेटर नहीं हटा। मेरे मम्मी मेरे को बोले सर ग्लोबल हॉस्पिटल में अगर आपको पैसे मांग रहे, ग्लोबल हॉस्पिटल में अगर आपको एक गरीब इंसान इलाज कराने अगर जा रहा वहाँ पे, तो खाली आपको आपके पेशेंट से मिलने के लिए भी, अगर आप वॉलंटियर है आपके पेशेंट से मिलने के लिए कम से कम आपको 2000 रुपए अपनी पॉकेट में रख के जाना पड़ेगा, नीचे सिक्योरिटी गार्ड से लेके ऊपर तक सबको पैसे देना पड़ेगा सर। रात में क्रिटिकल बोल के सुबह पैसे लेते, फिर ठीक है बोलते, फिर रात में क्रिटिकल बोल के सुबह पैसे लेते। और मेरे को ये बोल रहा 3 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, बोले तो बोल रहा तुम लोग मुसलमान ऐसे रहते, तुम्हारे पास पैसे ऐसे नहीं रहते तो इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने क्यों लाए, बोल के बोल रहा सर। और ये वेंटिलेटर लगाने से पहले बोले ना, वेंटिलेटर लगाने से पहले बोला सर तुम लोग मुसलमानों का नहीं, तुम लोग का जब पैसा नहीं रहता तुम मुस्लिम्स का, तो ये हॉस्पिटल में क्यों लाए, उस्मानिया लेके जाना था नहीं तो कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाना था, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल समझाया क्या तू। मतलब सर आप 75,000 जो बिल बोले थे मैं तो नीचे पे कर दिया, और मैं पूरा कार्ड से करा भाई पेमेंट, ऐसा नहीं करा मैं कैश नहीं करा, कार्ड से करा पूरा, एक्सिस बैंक का मेरा कार्ड है इससे करा। उसके बाद मेरे को ऊपर कॉल करके बुलाया गया, जैसे मैं ऊपर गया बोले 3 लाख रुपए चाहिए आप, हम आपको एक नंबर देंगे वहां पे, आप 3 लाख रुपए लेके जाके दे दो, 3 दिन में आपकी माँ की जान बच जाएंगे। तो मैं पूछा मैं ऑलरेडी तो बिल पे कर दिया, मेरी माँ को 3 लाख रुपए फिर किस चीज के देना है, तो बोले आप समझदार है समझ जाओ 3 लाख रुपए दे दो आपकी माँ ठीक हो जाएगी। मैं 3 लाख का मैं जाके कहीं मेरे दोस्त उससे मांगने के लिए गए तक आके आए तक मेरी माँ को वेंटिलेटर लगा दिया, मेरी माँ की जान चल दी, जबरदस्ती वेंटिलेटर लगाए और मेरे से पेपर पर सिग्नेचर लिया गया, वो किस पेपरों पर सिग्नेचर लिया गया मेरे को पता नहीं है सर, क्योंकि उस टाइम मैं मेंटली डिस्टर्ब था सर, बस बोले ये साइन करो वो साइन करो ये साइन करो, बस मेंटली डिस्टर्ब था मैं, मेरे को फिर से ये पेपर पर साइन कर रहे वो पेपर पर साइन करा रहे। उसके बाद 3 लाख रुपए पूछे ये तीनों मेरे से। हम लोग को बोले रूम खाली नहीं है, आप एक रूम के एक दिन के 10,000 रूपए पे करना, नहीं तो आपको कैंसर पेशेंट के साथ रखते। बोले भैया मेरी माँ को स्वाइन फ्लू नहीं था सर, मेरी माँ को ना स्वाइन फ्लू था ना निमोनिया था,
एक दिन के रूम के 10,000 रुपए पे करो, बोले नहीं पे करे तो आपको वहाँ पे वो कैंसर पेशेंट के साथ और स्वाइन फ्लू पेशेंट के साथ वहां पे रखना पड़ेगा बोले। और वहां पे रखे, वहां से मेरी माँ को स्वाइन फ्लू और ये निमोनिया लगा सर। उसके बाद फिर मैं अपने पैसे जमा करके 10,000 डेली के 10,000 रुपए रूम चार्ज करे वो रूम में रखा सर। स्वाइन फ्लू का ट्रीटमेंट स्टार्ट करो तो मेल नहीं आया बोले ना, मेल नहीं आया बोले स्वाइन फ्लू का ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। गवर्नमेंट वाले 3 दिन तक स्वाइन फ्लू का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करे सर, मेल नहीं आया। गवर्नमेंट से कॉल आया आपकी मम्मी का पॉजिटिव आया, आप बोलो बोले तो हम ना जाके बोले तो जब तक रिपोर्ट नहीं आई हमारे ऑफिस तक नहीं पहुंची, ट्रीटमेंट नहीं चालू कर ठीक है सब बोले। तो ऐसा लगा वो फीलिंग पूरे डॉक्टर्स में है सर, वहाँ के बोले आरोग्य श्री पेशेंट है तो चले जाना नीचे, ऊपर आके इलाज नहीं कराना। तुम लोग मुसलमान खाली बहस करते पैसे नहीं रहते तो गवर्नमेंट दवाखाने में चले जाना था, रोना नहीं यहाँ पे धोना नहीं। हीना बोल के डॉक्टर है, मैं बोली उसको हीना मैडम एक बार मेरे ऑफिस से मिलने दो बोलते हीना मैडम बोले, मैं बोली हीना मैडम मैं आपके पैर भी पड़ी ना, हीना मैडम मेरी अम्मी से मिल कहाँ पर है तुम, मेरे पैर अपड़ो मेरे पैर, बोली आप मुसलमान है ना मैडम, मेरे को नहीं मालूम मैं मुसलमान हूँ बोल के मेरे अम्मी बोले, मेरे अम्मी बोले सर। आप अभी भी जाके देखिए आईसीयू का आपको, मैं जहाँ तक अगर गलत हूँ तो आप लोग आईसीयू का जो है ना वहाँ पे भी कैमरे लगे आईसीयू में, आप आईसीयू का कैमरा निकाल कर चेक कराइए, उसका रिकॉर्डिंग चेक कराइए। अंदर आईसीयू में वो लोग क्रिसमस मना रहे, केक काट रहे हैं और दारू पी रहे, आप आईसीयू की रिकॉर्डिंग देख सकते हो वहाँ के कैमरे में। आईसीयू रिकॉर्डिंग है ना पहले वार्ड में से आईसीयू मरने से पहले जब वेंटिलेटर लगाया गया जब लास्ट टाइम था वो टाइम पे भी वो लोग ड्यूटी डॉक्टर लास्ट टाइम मम्मी को जो वेंटिलेटर लगाए जब ड्यूटी डॉक्टर ऊपर से भाग लेते आया इमरजेंसी केस में और आईसीयू में रखे बाद इमरजेंसी केस में डॉक्टर ऊपर से भाग के आता आया तक जान चले गई माँ की मेरे। 3 लाख रुपए पूछे 5,000 आप बोले मैं पे कर दिया तो 3 लाख रुपए पूछे तो नहीं है बोले तो बोला तुम लोग मुसलमान जब इतना तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम लोग इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्यों आते मुस्लिम तुम लोग का, तुम लोग के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल है, तुम लोग के लिए गांधी हॉस्पिटल है, तुम लोग वहाँ जाओ बोले। अम्मी मेरे को इशारे से बोले हमारे मम्मी ना बात नहीं कर सकते ऑक्सीजन लगा हुआ था ना, तो मैं मम्मी से पूछी मम्मी आप अच्छे है ना, बोल तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ बेटे यहाँ पे मेरे को इलाज नहीं, मैं बोली अजीत भी अच्छा डॉक्टर है नहीं प्लीज और और भी बोलो बोले भैया पैसे मम्मी को यहाँ पर सोया मम्मी को जानवरों के जैसा सोया लोग जब हम लोग जब गुस्से में आके जो भी करें हम लोग जो हमारी माँ के साथ करें तो हम उसका गुस्सा जाहिर करें इत्तेजाद करें हम उसका तो अभी वो लोग हमारे पे केस बुक करें और हमारे पे 1 करोड़ रुपए का उनका नुकसान हुआ वो बोल के केस बुक कर रहे हैं सर अभी हमारे पे करने दो। ये सर हॉस्पिटल जितने हॉस्पिटल ये ग्लोबल हॉस्पिटल में जितना स्टाफ है पूरा हिंदू स्टाफ है और मुसलमान के लिए कास्ट फिलियन रख रहा सब, ये मेरे साथ हुआ हुआ है और मैं अच्छे से जान रहा हूँ सब। मेरी माँ गुजर गई, मेरी माँ के हाथ से किसी की और किसी और की माँ के साथ नहीं होना, कोई अपने हॉस्पिटल को लेके जा रहा है तो देख समझ कर लेके जाओ। अब एडमिट कब कराए थे आज से? मेरे मम्मी का ट्रीटमेंट रवि पट्टी श्रीनिवास के पास चल रहा था, मेरे मम्मी एक मास विजिट कर रहे थे, मेरे मम्मी चलते हुए जा रहे थे चलते हुए आ रहे थे, उसको एक महीने में पता नहीं चला कि मेरे मम्मी को इंटरनल लंग डिजीज था, वो कुछ भी नहीं था बड़ा डिजीज, उन्हें बोला ठीक हो जाते। जब मम्मी जनरल वार्ड में एडमिट थे 3 दिन जनरल वार्ड में थे उन्हें ये नहीं पता करा कि मम्मी को छोटा मोटा निमोनिया है बोल के, वो इसलिए बताने का 10,000 आईसीयू में शिफ्ट कर दिए, आईसीयू में शिफ्ट करा और नीचे 75,000 जब पे करे तो बोला 3 लाख रुपए दो, तो बोला मैं 3 लाख रुपए क्यों दूं नीचे 75,000 पे करा। आप अकलमंद आदमी आप समझ सकते हो, मेरा भाई पैसों का अरेंजमेंट करने गया मनिंदर मेरे को बुला के बोला तुम्हारा भाई अहमद कहाँ है। मैं बोली मेरा बेटा पैसे लाने गया सर जरा रुक जाओ, नहीं नहीं तुम्हारे मम्मी को वेंटिलेटर लगा देते, मेरे मम्मी बोले नहीं वेंटिलेटर नको लगाओ बोल तो तुम बाहर जाओ। मेरे मम्मी लेटे, मेरे मम्मी बोले मैं मर जाती हूँ, मेरे मम्मी बोले अशीद ला 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 ला, मेरे मम्मी देख के खत्म हो गए भैया खत्म हो गए, मैं वेंटिलेटर नको। हम लोगों ने कम्प्लेन दी सर, ऑलरेडी हमारी कम्प्लेन है सर, सैफाबाद पीएस में है और हमारे नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन में लेकर गया था और सैफाबाद पीएस में भी हमारी कम्प्लेन है सर। अलग अलग लेके चले गए थे सर, पुलिस भी हमको वहाँ पे कोऑपरेट नहीं करी, पुलिस उल्टा हमको मारी तो हमने पुलिस को सिर्फ हाथ लगाया, लेकिन वहाँ की मीडिया वहाँ के लोग क्या बता रहे कि हम पुलिस को मारे जैसा बता रहे, हम पुलिस को हाथ नहीं लगाए सर, हम पुलिस को बस वो हमको मारे तो हम हमारे बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए उनको पकड़ने गए थे सर।
3 लाख रुपए पूछे सर हमसे। सर ये ना डॉक्टर के आगे।